जय श्री राम दोस्तों, आज है 24th डे मेरा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का। सुबह उठकर थोड़ा सा बॉडी में ब्लोटिंग लगी, बट चलिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैंने उठ के पिया पानी एंड फ्रेश होकर नहा धोके मैं चल दिया पूजा करने के लिए। एंड डेली की तरह सूर्यदेव जी को जल चढ़ाया एंड सेम पैटर्न में प्लांट्स को दिया वाटर। गाइस, सो हो गया ब्रेकफास्ट टाइम एंड डेली की तरह आज भी वही सेम, यस, ओट्स के साथ। ये है ड्राई फ्रूट्स एंड माय फेवरेट भंजीर। तो चलिए फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जिम के लिए हो गया रेडी। जिम पहुंच के मैंने अपना प्री वर्कआउट मील आफ्टर 2 आवर्स के बाद लिया एंड फिर मैं रेडी हो गया वर्कआउट के लिए। सो गाइस, वेलकम बैक। आज है थर्सडे और आज मैं कर रहा हूँ शोल्डर का वर्कआउट। सो प्री वर्कआउट में आज मैंने 2 बनाना ले लिए हैं। बहुत अच्छा धमाकेदार वर्कआउट होने वाला है। स्पेसिफिक बॉडी पार्ट इस वीक से मैंने स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले अपना वार्म अप और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, वार्म अप में आज भी क्रॉस ट्रेनर माय फेवरेट 20 मिनट्स एंड उसके बाद स्ट्रेचिंग किया। थोड़ा बहुत अच्छा लगा, पहले से बेटर है मोबिलिटी शोल्डर की एंड स्ट्रेचिंग मैं कभी नहीं भूलता। तो डेली गाइस आपको भी रिकमेंडेशन है कि आप भी 15 to 20 मिनट्स का टाइम ज़रूर निकालिएगा। एंड गाइस, काफ़ी लोग स्ट्रेचिंग से बोर हो जाते हैं, इस डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं, तो यही सिखाने के लिए गाइस ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि कभी भी बोर हो गए तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट वर्कआउट अपना। और शोल्डर में सबसे पहले आज मैं कर रहा हूँ श्रग्स, ये फ्रंट से डंबल से किया, देन उसके बाद बिहाइंड अपराइट विद कॉम्बिनेशन ऑफ श्रग्स एंड उसके बाद गाइस रियर डेड फ्लाई। गाइस ये जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा हूँ मैं अपना वीक पार्ट ट्रेनिंग का। तो जो जो पार्ट मुझे लैक करते हैं, जो जो वीक पार्ट है उसके हिसाब से मैं अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूं। तो ये आप एक्सरसाइज उसी के हिसाब से देख रहे हैं। सब मिलिट्री प्रेसेस गाइस सबकी मैं 4 4 सेट्स परफॉर्म कर रहा हूं और रेपिटेशन रेंज है जो 12 to 15 रेपिटेशन। उसके बाद सीटेड मशीन प्रेस और इसके भी मैं 4 सेट्स विद 15 to 20 रेपिटेशन। देन उसके बाद गाइस मीडियल हेड वन ऑफ माय फेवरेट एंड इम्पॉर्टेंट, इसके हायर रेपिटेशन 30 to 40 रेपिटेशन विद 4 सेट्स। देन उसके बाद अगेन फॉर मीडियल हेड अपराइट रोइंग विद केबल इजेड बार। देन उसके बाद रियर डेल्ट में मैंने किया फेस पुल, इसके गाइस 20 to 20 रेपिटेशन के साथ 4 सेट्स मैंने कंप्लीट किए। सो गाइस, शोल्डर का वर्कआउट भी हो गया ओवर। सो गाइस, बड़ा ही अब मज़ा आने लग गया है। अब माइंड मसल की कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। ये वाला जो वीक है ये पूरा स्पेसिफिक बॉडी पार्ट वर्कआउट में कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट डे मैंने किया था बैक, देन उसके बाद ट्यूसडे को मेरा हो गया चेस्ट, वेडनेसडे को मैंने किया लेग्स और आज हमने किया शोल्डर्स। सो गाइस, जो भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और जो न्यू हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपना यूट्यूब पे, तो मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं माय और सब्सक्राइब करिए माय चैनल MN Body Transformation। माय इंस्टा हैंडल इज महेश800 एंड फेसबुक पेज इज महेश नेगी। सो गाइस, ऐसे प्यार बना के रखिए, मैक्सिमम वीडियोस कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने लंच में। आफ्टरनून गाइस, हो गया है लंच टाइम और लंच में है ये वेज पुलाव, ग्रीन चटनी, सम सैलेड और ये माय फेवरेट ये है रायता। तो चलिए गाइस एंजॉय करते हैं ये हेल्दी मील। और कुछ भी बाहर का खाना नहीं है गाइस, आप देख रहे होंगे कि अपना प्योर पहाड़ी गढ़वाली खाना यही खाओ और बॉडी बनाओ। तो ये है सीक्रेट मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलिए गाइस एंजॉय करते हैं अपना लंच एंड सीरो भी आ गया है मेरे साथ।
तो शीरो भी खाएगा। तो चलिए गाइस अभी खाते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। गाइस हो गया है मिल्क टाइम, तो चलिए फटाफट मिल्क पीते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस सो हो गया है डिनर टाइम और आज है आलू गोभी की सब्जी के साथ चटनी एंड रोटी। तो चलिए गाइस करते हैं डिनर और फिर मिलते हैं। आज का डे भी हो गया ओवर, तो सब कुछ सही रहा और हमने वर्कआउट भी किया और आप भी किया, आपने भी किया व्यायाम ने, और आप खेलने भी गए थे। तो चलिए गाइस अब हम बोलते हैं आपको गुड नाइट, गुड नाइट और जय श्री राम। तो मिलते हैं आपसे कल, तो बाय 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 बाय।